हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। मैं आज बात को बेटा कार्यपत्रक कक्षा 5 गणित भाग 3 करवाने जा रही हूँ। यहाँ पर आज हम प्रश्न 14 पर हैं, दी गई भिन्नों को दशमलव में बदलिए। स्टूडेंट, तो हम लोगों ने दशमलव भिन्न को बदलना सीखा था। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके बता दूँ कि कैसे करना है कि दशमलव भिन्न में बदलने के लिए 10 का भाग 5 में देना है। तो यहाँ पर 10 का भाग 5 में देने की आपको आवश्यकता नहीं, जब भी नीचे जीरो हो स्टूडेंट, तो आपको जीरो गिन लेना है। कितने जीरो? एक जीरो, ऊपर एक अंक है। तो इस एक अंक को छोड़कर, जैसे मैंने 5/10 लिखा, तो ये जो इसके ऊपर जीरो के ऊपर जो अंक है ना, उसको छोड़कर आपको इसे दशमलव लगाना है। एक को मतलब आपको दशमलव बनाना है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 0.5। समझ में आ रहे हो ना? जितनी जीरो दशमलव लगाकर उस इतने अंक पीछे छोड़ना है आपको। और आपको अगर नहीं समझ में आती है, जो एक है ना, इसको दशमलव बनाना है, ठीक है? तो और आगे कोई अंक नहीं है दशमलव के पहले, तो आप जीरो लगा लें, तो 0.5 आपका उत्तर हो गया। इधर देखिए, यहाँ पर 28.8, तो देखो 28/10 लिख देती हूँ। तो यहाँ इसके पीछे देखो एक अंक है। अब ये एक आ गया ना, तो इस एक को आप यहाँ मान के चलो यहाँ दशमलव लगाना है आपको। तो ये क्या हो गया? 2.8 आपका उत्तर क्या होगा? 2.8 आपका। ऐसे सिंपली आपको लगाते हुए चलना, और ये आपका आंसर हो गया, है ना इजी। आगे अंक है इसलिए जीरो लगाने की अब जरूरत नहीं है। यहाँ देखो 1037/1000 है, तो आपको यहाँ क्या करना है, संख्या को हमेशा दोबारा से लिखना होता है। फिर आपको एक लिखो यहाँ पर, 0000 मतलब 1000। इस अंक ये और ये, और जहाँ पर हमारा ये खत्म हो गया, उसके बाद ही जहाँ एक आ गया वही दशमलव लगाना है। तो आपको क्या करना है, 1.037। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि जितने जीरो उतने पीछे अंक छोड़ दो, 1, 2, 3, और फिर दशमलव लगा के 1 लिख दो। अगर कोई अंक ना हो तो आप जीरो अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो आपका क्वेश्चन हमारा है ना, आप मैं सेपरेट कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाए। 8, अब देखो 8/100, तो आप कहेंगे मैम अब हमारे पास तो यहाँ पर आपने कहा कि एक अंक लिख लो, है ना। फिर ये एक जीरो का तो एक अंक हो गया, फिर इसका क्या करूँ मैम, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो बेटा ये जीरो ऊपर पहुँचा दो आप, ऐसे कर लो याद रखने के लिए, और फिर आप दशमलव, ये जीरो आपका ऊपर गया, तो ऐसे तो बनेगा ना दशमलव। और तो आपके दशमलव के बाद दो जीरो है, तो दो अंक छूट गए ना यहाँ दशमलव के बाद, और जहाँ एक है वहाँ आपका दशमलव, और आगे कोई अंक नहीं, तो आप जीरो अपनी तरफ से लगा लें और आपका आंसर खत्म। यहाँ देखो 1/4, ये बिल्कुल अलग तरह का सवाल है स्टूडेंट। देखो मेरे पास जगह कम है, तो मैं यहाँ पर ही कर देती हूँ। 1/4 का मतलब क्या है कि आप एक में चार का भाग देंगे। आप क्या करेंगे, एक में चार का भाग देंगे, तो कैसे देंगे? देखो नहीं जा रहा है, दशमलव लगा दो, जीरो अपनी तरफ से उतार लिया, है ना। या फिर हम कहेंगे कि जीरो बार गया, है ना, इस तरह से। बट अपन यहाँ पर सीधा सा कि नहीं गया, दशमलव लगा लो। दो का भाग चार का भाग 10 में देंगे, 2 बार गया, 8 बच्चे कितने, 2, 10 में से 8 के तो 2। अब दशमलव लग रही, तो आप जीरो अपनी तरफ से उतार सकते हैं, बिल्कुल उतार सकते हैं, 5 बार गया ना। तो आपका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, 0.25। तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, 0.25। अब दशमलव के आगे कोई अंक नहीं, तो आप अपनी तरफ से जीरो लगा सकते हैं। इसी तरह से आप क्वेश्चन देखिए, 3/ ये वाला, 3/5 अब आराम से दिख रहा होगा। 3/5 का मतलब भी वही सेम है स्टूडेंट, जो 5 नीचे है ना उसको तो बाहर लिख लो, जो ऊपर है उसे अंदर लिख लो। अब देखो 5/3, 5/ नहीं भाग जाएगा, दशमलव लगाओ, जीरो अपनी तरफ से उतारा, 30 हो गए, 6×5=30, आपने भाग दे दिया ना स्टूडेंट। तो अब आपका क्या हो गया, 0.6 आपका उत्तर हो गया। आगे कुछ भी नहीं, जीरो लगा दो, 0.6 आपका आंसर। इस तरह से स्टूडेंट हमने दी गई भिन्नों को दशमलव संख्या में बदलना हमने यहाँ पर सीख लिया। अब करते हैं हम दी गई भिन्नों के अंश व हर को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करने पर तुल्य भिन्न प्राप्त बनाइए। जो भी तुल्य भिन्न होगी, 2, 3 और 4 को अंश और हर से गुणा करना है, अंश से भी हर से भी। अंश और हर तो जानते हैं ना, जैसे 1/4 है, मैं लिखती हूँ यहाँ पर 1/4, तो 1/4 ये तो आपका अंश हो गया और हर हो गया, तो यही अंश और हर को आप गुणा करना है। तो 1/4 को किससे गुणा करना है आपको, 2 से, ऊपर नीचे 2 से। फिर 1/4 को ही गुणा करना है किससे, 3 से स्टूडेंट, ठीक है। फिर इसी तरह से 1/4 को गुणा करना है आपको किसको, ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से। तो क्या होगा, 2/4
आठ, यहाँ क्या बटा बना एक और तीन को तीन बटा चार दिया 12, फिर यहाँ गुणा करा एक को चार से, चार और चार चौक 16 बना ना स्टूडेंट आपका, तो ये आपकी तुल्य भी बन चुकी है। अब आप जब उत्तर लिखेंगे ना, तो उत्तर कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखो 1/4, 2/8, 3/12 है ना, 4/16, ये गुणा करने फिर आपके आए हैं। तो देखो यहाँ पर तो ऊपर 1, 2, 3, 4 पहाड़ा चल रहा है एक का, यहाँ चार का, 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, इस तरह से पहाड़ा बनता है 2, 3, 4 क्रमशः गुणा करने पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, तो 2/3 को भी मैं किससे करूँ, 2 से गुणा कर लूँ, मैं दो दूसरे का हल कर रही हूँ 2 से, तो मेरा क्या आया यहाँ पर 4/6, फिर मैंने 2/3 को गुणा किया किससे स्टूडेंट, 3 से ऊपर नीचे, कितना हो गया 6/9, फिर 2/3 को गुणा कर दूँ मैं 4 से ऊपर नीचे, तो मेरा 8/12। उत्तर क्या लिखूँगी स्टूडेंट मैं, 2/3 की तुल्य भिन्न मेरी क्या हुई 4/6, 6/9 और 8/12। उत्तर की जांच कर ले स्टूडेंट, आपको उत्तर की जांच करना आता है। ऊपर 2 का पहाड़ा, 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9 और 4 3 12, इस तरह से हमने क्वेश्चन ये भी कर लिया स्टूडेंट। हम चलते हैं इसी भिन्न की यहाँ पर और थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, हमारे अभी सवाल बाकी है ना, तो आप देखिए यहाँ पर सवाल हम करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है थर्ड वाले में, क्या है 2/5 की तुल्य में, तो अपन 2/5 को गुणा करेंगे किससे, 2 से ऊपर नीचे, फिर 2/5 लिख लेंगे उसको ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे स्टूडेंट, फिर 2/5 को लिख लेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 4 से, तो आप करें 4/10, 6/15 मैं गुणा कर रही हूँ, अब आपको आता है 8/20। फिर चौथा सवाल हमसे कहता है 3/4 के तुल्य भिन्न, तो 3/4 को पहले मैं 2 से गुणा कर दूँ, फिर 3/4 को मैं गुणा कर दूँ 3 से, फिर 3/4 को गुणा कर दूँ मैं 4 से। स्टूडेंट देखो बहुत तेज में चीख चिल्ला के नहीं पढ़ा रही, आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, आप भी आराम आराम से पढ़ रहे हैं। तो कितना हो गया 6/8, यहाँ कितना हो गया 9/12 है ना, यहाँ कितना हो गया आपका 12/16। तो आप उत्तर जमाना भी तो आपको आना चाहिए ना, उत्तर आप ले क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 3/4 की तुल्य भिन्न होगी आपकी 6/4, 9/12 और 12/16। चेक कर लें, 3 का पहाड़ा चल रहा है कि 1 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 1 4 2 6 8 लिखना, देखो गड़बड़ होता है ना ऐसे, तो ऐसे ही देखो 6/8 लिखा था पर वहाँ गलत हो गया, चेक करना होता है 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो ये आपका उत्तर सही है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कर लिया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो स्टूडेंट देखिए हम कक्षा 5 गणित भाग 3 पर प्रश्न संख्या 16 है उत्तर पहुँच चुके हैं, पर रिक्त स्थानों को भरना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर कैसे करना है। 1 को 3 से गुणा किया तो क्या आएगा स्टूडेंट, 3 आएंगे, कैसे देखो 3 को 3 से गुणा किया तो 9 है, तो 1 को 3 से गुणा करने पर क्या आएगा 3, बहुत आसान था। अब यहाँ देखिए 5 और 15 और यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट देखो यहाँ गुणा किया था तो बड़ी संख्या आई थी है ना, और जब बड़ी संख्या दे रखी उधर छोटी संख्याएं पूछे तो गुणा का उल्टा क्या होता है भाग, तो 15 में भाग दे दें आप 5 का तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा ना, तो यहाँ पर 5 में भाग दिया है 3 का, सॉरी यहाँ 15 में भाग दिया है 3 का, तो भाग दे दो यहाँ पर भी 3 का 9 में, तो कितना आएगा 3 है ना, ऐसे आपको समझना है। फिर से देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ 15 है, तो यहाँ से देखना है 5 का पहाड़ा कितनी बार बोले जब 15 है, क्योंकि इधर बड़ी है ना, अगर इधर बड़ी होती इधर खाली स्थान होता तो भाग कर लेते, तो 5 का पहाड़ा 3 बार बोला तब 15 आया, तो 2 का पहाड़ा भी 3 बार बोल लो बेटा कितना आ जाएगा 6 है ना, आसान, बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी है बेटा, 3 का पहाड़ा 18 आ जाए इतनी बार बोलो, तो 1 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18
तो जब छः, 3 को 6 से गुणा कर 18 है, तो 4 को 6 से गुणा करें, क्योंकि ये तो फुल्ले भी नहीं ना, तो कितना आएगा 24, है ना। बहुत आसानी से हो गया मैम, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। मैम ये तो बड़ा ही कठिन है, कैसे करें। नहीं बेटा कुछ भी नहीं, आप देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये इस, ये देखो दोनों को फिक्स कर रहा है, ये वाला कॉलम आ रहा है ना, तो 1 और 2 को अगर मैं जोड़ती हूँ तो 3 आने चाहिए। तो 1 और 2 के बीच ऐसा कौन सा काम करूँ कि 2 आ जाए। तो 1 और 2 को गुणा किया तो क्या आ गया, 2। अब देखो यहाँ पर इस वाले कॉलम को, ये इसमें और इसमें दोनों में आ रहा है, इस लाइन पे दिमाग लगाना है ना। तो 2 और 3 के बीच में 2 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। अब 3 और 4 को गुणा करने पर क्या आता है, तो 12 आ रहा है। तो फिर से अपन को ऐसे ही करना है इन दोनों का, 2 और 6 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 6 और 12 का गुणा करेंगे तो 6 12 72 हो जाएंगे। अब 72 को 12 से गुणा करना है तो इधर से कर लेते हैं, है ना। 2 2 4 7 2 14 2 और 7 गुणा करना आता है ना, 4 6 और 886, तो आप लिख लें 886, है ना। इस तरह से आपको लिखना है 864, सॉरी बेटा। यहाँ देखो 7 और 8 में ऐसा काम क्या किया जाए, 15 आ जाए। 9 और 10 में ऐसा क्या काम किया जाए कि 19 हो जाए। तो जोड़ा है ना, यहाँ पर भी जोड़ा है, तो क्यों ना हम इन दोनों को भी जोड़ लें, 8 और 9 17। अब 17 और 15 को जोड़ लेते हैं, 17 और 15 जोड़ो ना, 7 और 5 12 की 2 हासिल लगाए, 1 2 और 3 कितना हो गया, 32। अब आपको 17 और 19 को जोड़ना है, जोड़ लो ना, 7 और 9 कितना हो गया, 16 के 6 हासिल लगे, 1 3 है ना, 1 2 3 36। अब 36 और 35 को भी जोड़ लो, 36 और 32 को, 35 नहीं 32 को, तो कितना हो गया, 8 और 6 68। तो आपका यहाँ क्या हो गया, 68, है ना। आसान, इस तरह से आप करते जाइए और देखते जाइए, पैटर्न बहुत आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए तालिका को देखकर उन पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपको ये पिक्टोग्राफ बोला जाता है, क्या बोला जाता है स्टूडेंट, पिक्टोग्राफ, छाया चित्र के द्वारा आपको दिखाया गया है। यहाँ तालिका में एक स्माइली बनी हुई है, इस एक स्माइली के बराबर 10 छात्र और एक टेली मार्क्स के बराबर 1 है। टेली मार्क्स आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो जो चैप्टर है हमारा उसके वीडियो आप जरूर देखिए, वहाँ मैंने डिटेल में समझाया है। तो कक्षा 1 में कितने बच्चे हैं, तो 10 का पहाड़ा बोलना है, 1 2 10 2 2 20 20 और 1 21 बच्चे हैं। यहाँ देखो 10 का पहाड़ा, 1 2 10 2 2 20 20 21 22 23 24 और ये लाइन 25 और ये 26 बच्चे हो गए। यहाँ देखो 1 2 10 2 2 20 3 2 30 बच्चे हैं, अपन लिख लेते हैं पहले ना, 1 2 10 2 2 20 3 2 30 31 32 33 बच्चे यहाँ पर हो गए, ठीक है। 1 5 1 2 10 10 11 12 13 14 और 1 15 और 1 16। अब अपन ने ये तालिका को तो पढ़ लिया, पिक्टोग्राफ को पढ़ लिया, अब हम ये प्रश्न लिखे नीचे 1 2 3 इनके जवाब देने। कक्षा 2 में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं, तो उत्तर लिखना है आपको 1, है ना। पहले का उत्तर क्या है, कक्षा 2, तो 2 कक्षा यानी कितने, कक्षा 2 में 26 बच्चे हैं ना, कक्षा 2 में कुल 26 बच्चे हैं, छात्र हैं, है ना, छात्र उपस्थित हैं। इस तरह से लिखना होता है बेटा, है ना। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कम लिखा तो कहीं ना कहीं मार्क्स कम हो जाते हैं। किस कक्षा में सबसे ज़्यादा छात्र उपस्थित है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 33। कौन सी कक्षा है, 5। तो उत्तर 2 में आप लिखोगे कक्षा 4, है ना, में सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा छात्र उपस्थित हैं। क्वेश्चन में जितना पूछा जाए ना बेटा उतना ही आंसर देना होता है, उपस्थित है। ऐसा नहीं कि 33 छात्र उपस्थित है और इतना, जितना पूछा है उतना सफिशिएंट होता है। अधिक लिखने में क्या होता है, कभी मात्राओं का उनका नंबर कट जाता है, तो क्या मतलब है अपन को कटवाने से, ठीक है ना। किस कक्षा में सबसे कम छात्र हैं, सबसे कम देखो 16 नंबर है, तो कक्षा 5 में, तो कक्षा 5 में ना, कक्षा 5 में सबसे कम
छात्र उपस्थित है। लग रहा होगा मैम बहुत आसान है, ऐसे ही कर लेंगे। हाँ बेटा, हर चीज जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उन सबके लिए आसान होती है, पर जो नहीं पढ़ते हैं या जो नहीं समझ में आता है, उन्हें बार बार मेहनत करनी होती है। तो पढ़ते रहिए, करते रहिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुंच चुके हैं। ये शायद 17 पहले हो गया था और ये नंबरिंग उसमें ही गलत है बुक में, तो शायद मेरे भी नंबर आपके गलत हो सकते हैं। तो मैं देख लेती हूँ, 17 है ना यहाँ पर, तो दो नंबर का फर्क चलता है। 18 19 हो गए थे ना पहले यहाँ पर। मैं एक बुक के ही डाल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको पता रहेगा कि कितने नंबर से चल रहा है। वहाँ थोड़ी मिस्टेक आ रही है, चलने दो, जो भी है। 2 घंटे में कितने मिनट होंगे ये बताना है 17 क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, 1 घंटे बराबर मिनट लिखना है। 1 घंटे बराबर 60 मिनट, आप सब जानते हैं, इंटेलिजेंट है, मैं जानती हूँ आपने मेरे साथ प्रश्नावलियाँ पढ़ी है। तो 2 घंटे में 60 मिनट के हिसाब से कितना होगा, 120 मिनट हो जाएंगे, है ना। इजी सा क्वेश्चन, बड़ी सी स्माइल आ गई होगी आपके, है ना, मुंह पर। इतना सिंपल तो क्वेश्चन था मैं, हाँ भाई इतना सिंपल ही, पर इसी तरह से लिखना है। यहाँ देखो प्रश्न संख्या 18, 10 मिनट में कितने सेकेंड होंगे। तो आप हल लिख लें सबसे पहले, यहाँ पर भी हल कर लें। 1 मिनट बराबर सेकंड में देखना है आपको, मिनट बराबर 60 सेकंड। मिनट के सवालों में सेकंड हो चाहे घंटे हो, 60 ही है सब कुछ, है ना। सिर्फ 1 घंटे में सेकंड पूछे तो 3600 बताना है आपको। तो 1 मिनट में 60 है, तो 2 मिनट में 120 है, तो 10 मिनट में कितने होंगे, 60 से गुणा करते कितने हो गए, 600 सेकंड। कैसे किया मैम आपने, बड़ी जल्दी कर दिया। कुछ नहीं किया बेटा, 1 को 6 से गुणा किया, 6 लिख दिया, फिर मैंने 1 और 2 0 पीछे लगा दी, सिंपल। उत्तर आपका पूरा। चलो नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए हल करना है, मिनट और घंटे को जोड़ना है। तो यहाँ देखो आप, मिनट है तो मिनट लिख लो, पहले संख्या जोड़ लेते हैं। 40 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया, 50। यहाँ मिनट लिख दीजिए, 60 से कम होना चाहिए, है ना, 59 से तक ही नंबर होना चाहिए यहाँ पर, 59 तक ही, उससे ज़्यादा होने पर फिर हमें घटाना पड़ता है। और यहाँ देखो 4 और 3 7, नीचे यहाँ घंटे लिख दो, घंटे के नीचे, है ना, इजी, बहुत मज़ेदार सवाल था। चलो यहाँ करते हैं, 5 और 5 10 की 0, हाँ सिल लगा 1, 4 और 1 5 और 5 10 100, क्या हो गई है, मिनट। जैसा है वैसा ही लिखना, ऐसा नहीं मैम कैरी करना है, नहीं, यहाँ घंटे मिनट में 60 का सिस्टम चलता है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर घंटे देखो, 5 और 2 कितने हो गए, 7, और घंटे लिख दो। अब कैसे करें, नहीं स्टूडेंट गलत हो गया, यहाँ पर घटाओ का निशान था, किसका था, घटाने का निशान था, तो हम उसी तरह से करेंगे सवाल, मुझसे गलती हो गई। तो यहाँ देखो एक बार चेक ही कर लेते हैं बुक से। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ माइनस ही था, हमने चेक कर लिया। तो देखो यहाँ 45 में से 55 नहीं जाएंगे, तो 60 ही तो ढाई में, यहाँ 1 घंटा उधार लेंगे तो 60 मिनट हो जाएंगे। तो 60 प्लस 45 आपका कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो देखो 60 में 45 जोड़ दो आप, कितना हो गया आपका, 5 और 10 105। इसकी जगह हम क्या कर लेंगे, 105, ठीक है। 105 में से घटाएंगे, 5 में से 5 गए 0, 10 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 5 ही बचेंगे ना। मैं यहाँ 0 करूँगी, मैं 0 में से 5 लूँगी, इससे कोई मतलब नहीं, हमने सीधा कर लिया, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर 5 की जगह क्या रहेगी आपका, 4। तो अब 4 में से 2 गए तो क्या बचे, 2, और यहाँ हो गए घंटे, आप घंटे ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर मिनट, ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया होगा आसानी से, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप मेरे। यदि नैना 1 किलो 500 ग्राम चीनी खरीदती है, 250 ग्राम धनिया पाउडर, 100 ग्राम चाय पत्ती, 10 किलोग्राम आटा व 50 ग्राम इलायची खरीदती, तो सब सामान का कुल वजन कितना हो गया, नैना के थैले में कुल कितना वजन हुआ स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इन संख्याओं को लिखते हैं। 1 किलो पहले मैं लिख लेती हूँ, चलो पीछे लिख लेंगे अपन, है ना, आपके लिए ईजी हो जाएगा यहाँ से। 1 किलो
500 ग्राम क्या खरीदा? चीनी। जैसे लिखा है वैसे लिख लेते हैं, स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ जाती है, मैम आगे पीछे मैम चक्कर खा जाते हैं, तो आप ऐसा जैसे लिख रहा है वैसा लिखो, यहाँ लिखो 250 ग्राम है ना, तो ग्राम के नीचे 250 ग्राम क्या खरीदा? धनिया पाउडर। धनिया पाउडर। ठीक है, फिर क्या खरीदा? 500 ग्राम चाय पत्ती, तो ग्राम के नीचे ग्राम, 500 ग्राम चाय पत्ती। बहुत सारा सामान खरीद लिया ना उसने। चलो 10 किलोग्राम आटा। अब देखो किलोग्राम के यहाँ कुछ भी नहीं, तो हम लाइन खींचते हैं ताकि हमारी संख्याएं गड़बड़ ना हो। 10 किलोग्राम आटा, तो ये रहा 10 किलो आटा। आटा कहाँ लिखूँ मैं? आटा। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो आप यहाँ लाइन खींचते हैं, इससे हमारा सवाल बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा स्टूडेंट। 50 ग्राम इलायची, तो ग्राम ये रहा, तो 50 ग्राम क्या है आपका? इलायची। इलायची बहुत महंगी होती है ना, इसलिए कम ही खरीदते हैं बेटा। ठीक है, इलायची खरीदती। तो अभी सामान, अब पहले सामान गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 सामान में क्या हमने लिखा? 1, 2, 3, 4 और ये 5 है ना, पांचों सामान हो गए। अब हमको क्या करना, कुल वजन पूछा है, कुल के लिए क्या करते हैं? जोड़। तो कुल वजन है ना, कुल वजन हो गया नैना के थैले में, कुल वजन कितना हो गया? कुल के लिए जोड़ो, सिंपल। तो यहाँ देखो ये यहाँ से लिखेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं रहा हमें, ग्राम ग्राम ग्राम, तो ग्राम लिख दो, लिख दिया ना। अब देखो 0 0 0 0, तो आपका क्या होगा? 0 जोड़ने पर, फिर 5 5 10, ऊपर 0 कुछ नहीं, यहाँ से लगा 1। यहाँ देखो 5 5 10 और 11 और 2 13 के 3, यहाँ लगेगा आपका 1 हासिल। कहोगे मैम मिनट में नहीं लगा, मिनट में 10 100 इस तरह का कोई अंक नहीं था, अंक की साठ था इसलिए वहां पर ऐसा नहीं चलता। तो यहाँ कहेंगे 1 और 1 2, 2 और 10 कितने हो गए? 12 किलो आपका, ठीक है ना। तो नैना के थैले में 12 किलो 300 ग्राम कुल वजन हो गया। आपको यहाँ ये सब कुछ लिखना है कि नैना है ना के सब सामान का कुल वजन, सब सामान का कुल वजन उत्तर लिखना है यहाँ पर, है ना, लाइंस लिखना चाहिए। 12 किलो 300 ग्राम होगा, है ना। तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी से कार्य पत्रक के सवाल कर लिए, जैसा नंबरिंग दिया गया वैसा ही किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगेन थैंक यू वेरी मच।